पहुंच गया है। 24.5 लाख बहन बेटियां इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा आयोजन राजस्थान में तो क्या पूरी दुनिया में नहीं। ब्लॉक लेवल के समापन तकरीबन हो गए हैं, कुछ ब्लॉक्स बचे हैं और आज मेरे ख्याल से कल 21-22 तक हो गए हैं सारे, और अब जिला स्तर के शुरू होकर 29 तारीख के बाद में प्रदेश स्तर के होना शुरू हो रहे हैं। देखिए, खेल विभाग की तकरीबन ज़्यादातर घोषणाएं धरातल पर उतर चुकी हैं, बाकी स्टेडियम बनने का काम है तो कुछ टेंडर प्रक्रिया के अंदर है, कुछ वर्क ऑर्डर होने के बाद काम चल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें ज़मीन पर उतर रही हैं, बहुत तेज़ी से उतर रही हैं और कुछ आने वाली हैं। जी, स्पोर्ट्स स्कूल तो चालू है इस समय स्टेडियम की, तो अब निर्माण का कार्य 7 संभाग में होगा। RSRDC को काम दे चुके हैं, पैसा दे चुके हैं, तो अब वो बनाकर क्रीड़ा परिषद को फिर से हैंड ओवर करेंगे। हाँ, मैं समझता हूँ कि ये हमारे देश के लिए बड़े गर्व की बात है और हर देशवासी इसके लिए प्रार्थना कर रहा है कि ये सब सेफ रहें, वहाँ से वापस आएं। और जैसा कि अभी अनुराग ठाकुर जी ने बताया कि दुनिया के 3 ही 4 देश हैं जो इस उपलब्धि को कर पाए, उसमें भारत शामिल होगा, तो ये बड़े गर्व की बात है हमारे लिए। और उसका जल्दी मुझे लगता है कि 10-15 दिन में उनका निस्तारण हो जाएगा।